अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ भी होंगे खैर वाकिफ से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल लाहौरी टेक। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ हवाई कंपनी के बारे में जो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी सालों से मिड रेंज स्मार्टफोन वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड कर रही है। और आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि हवावे के सीओई की तरफ से क्या अपडेट्स आई हैं और क्या कहना है उनका इस बारे में। और जैसे कि उन लोगों ने कहा है कि हम लोग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने वाले हैं, तो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह वर्क करेगा वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और आपको जैसे कि पता है कि अगर इनका ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च होता है तो आप गूगल की कोई भी ऐप्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो प्रूफ के साथ मैं इस वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ कि कैसे आप इनकी गूगल ऐप्स यानी गूगल मैप, फेसबुक और यूट्यूब को एक्सेस कर पाएंगे। और हवावे और गूगल का इस बारे में क्या कहना है वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और आगे चल के आपको बताऊंगा कि क्या असल मकसद है इसके पीछे, वो क्यों हवावे को बैन कर रहे हैं और क्यों अपने तमाम ताल्लुकात हवावे के साथ ख़त्म कर रहे हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को पहले बताता चलूँ दोस्तों, हवावे वर्ल्ड में सेकेंड वो कंपनी है दोस्तों जो मैन्युफैक्चर कर रही है स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा। और ना ही सिर्फ स्मार्टफोन दोस्तों बल्कि लैपटॉप वगैरह भी वो काफ़ी टाइम से अपने प्रोवाइड कर रही है वर्ल्ड वाइड। और इसके अलावा नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स वगैरह भी वो प्रोवाइड कर रही है। मैं खुद दोस्तों एक हवावे यूज़र हूँ और इस वक्त जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो हवावे वन एट से कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और मैं समझता हूँ दोस्तों कि हवावे सिर्फ एक ऐसी कंपनी है जो मिड रेंज के अंदर आपको बेहतरीन मोबाइल फ़ोन्स प्रोवाइड कर रही है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके अपडेट्स के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि गूगल एक US बेस्ड कंपनी है और उसने हवावे को 90 डेज तक खाली सपोर्ट करने का फैसला किया है, यानी 19 अगस्त तक। इसके बाद वो किसी किस्म की कोई सपोर्ट हवावे को प्रोवाइड नहीं करेगा और हवावे को सिर्फ अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करना पड़ेगा। तो इस बारे में जो COE हवावे के COE का कहना है कि हम लोग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करेंगे, हम पहले से ही इसके लिए तैयार थे। और तो जो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है दोस्तों वो है होंगमेंग। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल ऐप्स को कैसे सर्च कर पाएंगे, ऊपर आपको एक स्क्रीनशॉट दोस्तों शो हो रहा होगा। तो ये उन लोगों ने ब्राउज़र लॉन्च करना है जिसका नाम है बेडू ब्राउज़र, जिसके ज़रिए आप गूगल ऐप्स यानी गूगल मैप, फेसबुक और यूट्यूब को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। ठीक हो गया दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं कि क्यों ये बैन हो रहा है हवावे वर्ल्ड वाइड, क्यों गूगल और US इसके साथ तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं। इसका दोस्तों असल मकसद ही सिर्फ ये है, असल वजह ही दोस्तों सिर्फ ये है कि आप लोग जानते हैं कि मिड रेंज के अंदर सिर्फ हवावे एक ऐसी कंपनी है जो अपने मोबाइल फ़ोन्स प्रोवाइड करती आ रही है और कर रही है। और USA के अंदर भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अब जो बाय हो रहा है इस वक्त वो हवावे ही है, जिसकी वजह से नुकसान पहुँच रहा है उनकी कंपनी एप्पल को और उनकी मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी कमी आई है, जिसकी वजह से उन लोगों ने इस चीज़ को देखते हुए हवावे के साथ तमाम ताल्लुकात खत्म करने का फैसला किया है। और मैं काफ़ी एक्सप्लोर कर रहा हूँ दोस्तों कि जब से पता चला है कि हवावे के सेल फोन्स बैन होने वाले हैं तो हर कोई सेल फोन्स को सेल आउट कर रहा था, जबकि मेरा ख्याल है दोस्तों कि जैसे कि एप्पल का अपना अपना सॉफ्टवेयर है, तो इस तरह अगर हवावे अपना सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाता है तो बेहतरी या एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलना चाहिए उनको कस्टमर्स की तरफ से। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरी वीडियो दोस्तों का अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तुम्हारी माँ का अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद योगी का कमजोरी तो नहीं होगी। बस करो। डेढ़ चक्कर लगता नहीं तेरे। बस करो।